में जो किन्नर समुदाय हैं उन पे कभी आवाज़ ही नहीं उठा, उनकी शिक्षा के लिए कभी नहीं आवाज़ उठा, उनके रोजगार की कभी नहीं बात हुई, तो उन पे रोजगार की भी बात होनी चाहिए ताकि वो भी हमारे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। मैं वर्तमान सरकार से एवं विपक्ष में बैठे तमाम जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी बेहतर होने के लिए कुछ नया अभियान चलाया जाए, इनकी शिक्षा के लिए, इनके रोजगार के लिए, ताकि समाज में इनको जीने का हक मिल सके, अपने स्वाभिमान के साथ जिए। और इन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ गुड़िया किन्नर हैं, ये अपनी मांगों को रखेंगी। तो आप बताइए सरकार से क्या मांगे आपकी? हमारी मांग यही है कि हमारे न चलने और फिरने के क्या सर समाज में हमारी जगह नहीं है, हमके रहने के जगह नहीं है, हमने खाने पीने के जगह नहीं है। नहीं, हमारे भी अधिकार है समाज में बोलने के लिए, हमारे भी अधिकार है समाज में हंसने के लिए, मगर क्यों हमको समाज से घृणा माना जाता है? क्या हम मानुष में जन्म नहीं लिए? हम भी मानुष में जन्म लिए, जो कि आप जो अपनी माँ से जन्म जो तन से लिए वो तन से हम भी जन्म लिए। रही से बात कि आप पुरुष में लिए हैं, हम किन्नर में लिए हैं, मगर फिर भी हमारे जीने का अधिकार है, मगर क्यों हमको समाज से इसे घृणा किया जाता है? ना हमको खाने का रोजगार मिलता है, ना हमें कभी समाज में बैठने को रोजगार मिलता है, ना हमें कभी हंसने के मिलता है। पहले थी, मगर हमारी गाड़ी थी, हम गाड़ी से चलती थी, ट्रेन से चलती थी, 10 रुपया कमाती थी, 10 रुपया में जीती थी, बेचती थी, बोलती थी। आज के समय में ना गाड़ी में हमें के चढ़ने के मिल रहा है, ना हमें कहीं भी बर बधाई बजाने के मिल रहा है, ना कहीं हमें खाने के मिल रहा है। मैं क्या करूं? ये चीज़ से मैं लाचार हूँ। यही चीज़ से सरकार से मैं मांग रही हूँ कि हमें जीने के, हमने खाने के और हमने पीने के और हमें एक मड़ाई रहने के लिए झोपड़ी दें, तो हम अपना जिंदगी जी। आज कब तक ये जिंदगी जिएंगे पर्दे के आड़ में? कब तक ये जिंदगी जिएंगे हम पर्दे के आड़ में? हम जीना चाह रहे हैं खुल के समाजों में, और समाज में रहना चाह रहे हैं, समाज में हंसना चाह रहे हैं, समाज में बोलना चाह रहे हैं। ये हमारे सरकार से यही मांगे हमारी पूरी करें। जी बिल्कुल, हर इंसान के जो भी पृथ्वी पर हर इंसान है सबको जीने का हक है, और उन्हें जब तक शिक्षा नहीं दिया जाएगा वो समाज में कैसे जिएंगे? उन्हें अगर रोजगार ना मिले तो अपने जीवन यापन को कैसे करेंगे? और इसी बातों पे हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इनकी हर चीज़ आवाज़ों को सुना जाए, इनके हर मुद्दों को सुना जाए और इनके लिए कुछ बेहतर सोचा जाए। और समाज से भी निवेदन है कि कृपया आकर के आप अपना नज़रिया बदलिए, ये भी हमारे समाज के हिस्सा है और ये भी मनुष्य है, तो आप इनके प्रति नज़रिया गलत ना रखें, सही नज़रिया रखें, और ये भी अपने समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके कदम से कदम मिला के चलेंगे, और देखिए ये भी एक दिन अगर समाज और सरकार ने इन पर अगर ध्यान दिया अगर अच्छे से, तो ऐसा एक दिन आएगा कि समाज में बेहतर कर सकते हैं, और हर फील्ड में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और अपना परचम हर फील्ड में लहराते जाएंगे। चला रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जागरूकता अभियान का? जी, मैं अभी कुछ दिन पहले किन्नर समुदाय से मिला और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में सुना, उनसे मिला और उनके देखा कि अभी तक वो हमारे समाज के हिस्सा तो जरूर है लेकिन सामाजिक न्याय से कोसों दूर रहे हैं। हालांकि उनके लिए नियम कानून भी बने हैं कि वो हम शिक्षा से जुड़ सकते हैं, उन्हें रोजगार मिल सकता है, लेकिन जब तक अगर अभियान न चलाया जाए उन पर, अगर समाज में जागरूकता न फैलाया जाए, तो समाज में उनके उन्हें एक गलत दृष्टि से देखती है। बहुत सारे समाज में लोग हैं, कुछ अच्छे भी देखते हैं लेकिन मैक्सिमम देखा जाए इन जनरल तो बहुत सारे उनके प्रति उनका दृष्टि गलत होता है। तो अगर हम जागरूकता को नहीं चलाएंगे, अभियान को नहीं चलाएंगे, तो हमारे समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकते हैं। तो मैं वही एक कोशिश किया हूँ कि उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लोगों की नज़रिया बदली जाए, सरकार से निवेदन किया हूँ कि ताकि इनके लिए कुछ अभियान चलाया जाए, नए अभियान, ताकि हमारे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। क्योंकि इंसान जब कुछ नहीं कर रहा होता है फिर भी कुछ कर रहा होता है, इसका मतलब कि अगर वो सही रास्ते पर नहीं है तो कहीं ना कहीं और लिप्त है। उनको सही रास्ते पर लाना है, समाज का हिस्सा बनाना है, तो कुछ करना होगा। क्योंकि पहले हम महिलाओं के लिए भी बहुत सारे नियम बने थे लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही थी, स्कूल नहीं जा रही थी, सरकार ने बहुत सारे नियम कानून अभियान चलाए, अब जा करके वो कदम से कदम मिला करके हमारे समाज में आगे बढ़ रही है, तो किन्नर समुदाय के लिए भी होना चाहिए। आपका मांग है सरकार से कि किन्नर समाज के लिए भी नया कानून लाया जाए? जो कानून तो सर है, कानून है, कुछ बने हुए हैं, लेकिन जब नियम बनाए, जागरूकता अभियान न चलाया जाए और उनके लिए अभियान हर जगह नहीं छाया जाए, समाज को एक सकारात्मक दृष्टि से देखने के लिए नहीं बोला जाए, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि समाज निर्णय करता है कि हम मतलब कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। समाज अगर हमारे प्रति गलत नजरिया रखता है तो हम समाज में कुछ नहीं कर पाते हैं।
वही है इस आपका मुख्य सोच है कि किन्नर समाज और स्कूल की ओर अक्सरित हो, स्कूल की ओर जाए, शिक्षा की ओर जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा की ओर जाए ताकि उन्हें अच्छे रोजगार मिल सके, रोजगार मिल सके और हमारे समाज को बेहतर ढंग से चला सके। सर आपका नाम? जी मेरा नाम कृष्णा कुमार है और मैं एक छात्र हूँ और साथ ही साथ मैं सोशल अवेयरनेस के लिए कुछ लिखता हूँ और ताकि समाज में कुछ अच्छा कर सकूँ।